आज हम बात कर रहे हैं 1857 की महान क्रांति, देश की पहली, भारत की पहली महाक्रांति, आज़ादी की स्वतंत्र संग्राम के महानायक माता दीन, महानायक शहीद और पहलवान, दार्शनिक और लड़ाकू माता दीन वाल्मीकि जी ने अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर किया, देश की आज़ादी की लड़ाई की, जो पूरे देश में स्वतंत्र संग्राम वो फैल गया, पूरे देश में लड़ाई शुरू हुई, उसके महानायक माता दीन वाल्मीकि अंग्रेजी फौज में बैरकपुर कलकत्ता में है, बंगाल में, कलकत्ता के पास राजधानी जो आजकल कोलकाता बोली जाती है, कोलकाता, उसके पास बैरकपुर छावनी आज भी है। उस बैरकपुर छावनी में माता दीन भर्ती हुए थे और वहाँ पर जो फैक्ट्री है जिसमें कि बंदूकें बनती थी और उसमें उनके बंदूकों के वो गोलियाँ बनती थी, उसमें उसमें वो काम करते थे, टेक्निकल पोस्ट पर थे और वो बनाया करते थे, जो वहाँ पर जो भी गोलियाँ बनती थी। अच्छा, और उनको एक शौक था पहलवानी का। अब पहलवानी का शौक होने के नाते वो चलते थे, जाते थे दूसरे अखाड़ों में पहलवानी सीखने, लेकिन जो दूसरे अपर कास्ट के पहलवानों के उनके गुरु थे, उनके अखाड़ों के मालिक, उनको मना कर दिया थे उनकी जाति पूछ करके कि वाल्मीकि जाति से हैं, तो उनको सिखाने से मना कर देते थे। वहीं बैरकपुर में एक और रेजिमेंट थी, जो बैंड टीम होती है जो जो फौज में, अब उसमें इस्लामुद्दीन नाम के बैंड मास्टर थे, फौजी, जो फौजी बैंड बजाते थे, तो वो पहलवान थे, वो भी पहलवानी सिखाते थे और पहलवानी उनको बड़ा शौक था। अब उन्होंने देखा ये नौजवान जगह जगह धक्के खा रहा है, इसको पहलवानी का शौक है, क्योंकि जब शाम को सारे लोग फौजी जमा होते थे तो आपस में कुश्तियाँ होती थी, खेल होते थे, तो उनका भी मन होता था माता दीन का। लेकिन माता दीन को सिखाया किसी ने नहीं, तब उन्होंने इस्लामुद्दीन ने, उन्होंने कहा कि मैं तुझे सिखाऊंगा। इस्लामुद्दीन जी ने, उन्होंने माता दीन को सिखाई पहलवानी और उसके बाद माता दीन जी ने फौज में रहते रहते उन्होंने बड़ी बड़ी कुश्तियाँ जीती, पहलवान एक नंबर पहलवान हो गए, दाव पेच उनको आ गए, खूबसूरत वहाँ का नौजवान। अब उन्हीं दौरान मंगल पांडे दूसरी जगह से उनकी बटालियन ट्रांसफर होकर के बैरकपुर छावनी में पहुंची और मंगल पांडे को भी बहुत शौक था कुश्ती का। अब जब शाम को कुश्तियां होती थी जवानों के बीच में, तो वहां के हीरो माता दीन थे उस अखाड़े के। अब माता दीन के कुश्ती चल रही थी तो मंगल पांडे ने भी हाथ मिला लिया कि मैं कुश्ती करूंगा आपसे। माता दीन ने बहुत ही कम समय में, उनको आते ही बिल्कुल 1 मिनट 2 मिनट के अंदर उनको, मंगल पांडे को चित कर दिया, हरा दिया कुश्ती में, और उसके बाद दोनों दोस्त बन गए। क्योंकि माता दीन का नाम, एक तो माता दीन मुस्लिम लगता है, दूसरा उनके गुरु जो थे इस्लामुद्दीन वो खुद मुस्लिम थे और फौज में वो सूबेदार नायक के पद पर थे, सूबेदार नायक, और वो बहुत ही खूबसूरत थे, ड्रेस अंग्रेजी फौज की पहनते थे, तो उनके किसी भी तरह के ड्रेस से, नाम से, गुरु से और उनके आचार विचार से, बातचीत से, कहीं से भी ये नहीं लगता था कि ये अछूत अनटचेबल कम्युनिटी से है। तो मंगल पांडे दोस्त बन गए उनके और दोनों दोस्ती परवान चढ़ने लगी, वहां पर उनकी चर्चाएं शुरू हो गई। अब एक दिन मंगल पांडे की रेजिमेंट को जाना पड़ा बैरकपुर से, कहीं ऑपरेशन पे किसी और काम से भेजा अंग्रेज वहां के फौजी अफसरों ने। उसी दौरान एक घटना हुई, बड़ी घटना, कि वहां पर कुश्ती के लिए एक अंग्रेज अफसर आ गया, एक अंग्रेज अधिकारी, उसको भी कुश्ती का शौक था, और वहां पर अखाड़े में जब कुश्ती हुई तो उस अंग्रेज अफसर को माता दीन ने हरा दिया। अब जैसे ही किसी अंग्रेज अफसर को हराया तो वहां पे जितने भी भारतीय सैनिक थे उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा,
जाहिर सी बात थी, भले ही फौजी थे उनके अंग्रेजी हुकूमत के, लेकिन अंदर देशभक्ति की भावनाएं तो उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। वो तमाम लोगों ने माता दीन को, जैसे ही माता दीन ने उनको चित करा अंग्रेज अफसर को, उसको एकदम से खुशी से जयकारे लगाते हुए माता दीन को अपने कंधों पर उठा लिया। तब उस अंग्रेज अफसर को, क्योंकि अंग्रेज अफसर को दिल पे चोट पड़ी, एक तो हरा दिया इंडियन, एक उनके जो फौज में उसके नीचे कर्मचारी ने उसको हरा दिया जवान ने, और दूसरा ये कि तमाम लोगों ने बड़े जोश से वहाँ पर नारेबाजी की और उसको कंधे पे उठा लिया माता दीन को। तो उस अंग्रेज अफसर को बिल्कुल रास नहीं आया और उस अंग्रेज अफसर ने कहा कि तुमने जिसको उठाया हुआ है ये तो अछूत है, तुम जिसको कंधों पे उठा रहे हो तुम तो इसके हाथ का पानी नहीं पीते और तुमने इसको उठाया हो कंधे पर। इतना सुन के उन अपरकाश जो जवान थे उन्होंने उस माता दीन को नीचे गिरा दिया और वहां से गालियां बकते हुए चले गए। और अंग्रेज अफसर ने कहा माता दीन को कि तुम अपनी औकात भूल गए हो, तुम्हें हमने फौज में भर्ती करा और तुमने हमें इन सबके सामने जलील किया। माता दीन को वो अपमान बहुत दिल पे चुभ गया। उस दिन एहसास हुआ कि गुलामी क्या होती है, कि चाहे जितना मर्जी हो जाए लेकिन गुलाम गुलामी होता है, गुलामी गुलामी होती है। और उसके बाद माता दीन जब अपने वहां पहुंचे अपने बैरक में, उनको नींद नहीं आई रात भर और उसी उधेड़बुन में लगे रहे कि कैसे मुझे करना चाहिए। और उसी रात उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग, विद्रोह की प्लानिंग उन्होंने पूरे अपने दिमाग में खाका बना लिया। अब उनके दिमाग में भी चल रहा था, क्योंकि मंगल पांडे को लगता था कि ये अपर कास्ट है और जब बातचीत होती थी तो वो अछूतों के विरुद्ध मंगल पांडे नफरत भरी बातें उनसे करते थे, तो उनको पता था कि मंगल पांडे के मन में जातिवाद कूट कूट के भरा है, तो इसलिए वो फैल जाएगी बात। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की और उस बात का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि मंगल पांडे जातिवादी हैं, तो उस बात का फायदा उठाने के लिए उन्होंने विद्रोह का हथियार के रूप में वेपन किया विद्रोह का। और मंगल पांडे जब आए वहां पर तो उनको पता चल गया कि भाई ये तो अछूत है जिससे दोस्ती होती है, दोस्ती की है माता दीन। और वो जब सुबह अगले दिन वहां पर मंगल पांडे वहां की कैंटीन में, जो वहां का मैस थी, वहां सारे जवान चाय पानी खाना खाया करते थे, तो सुबह की चाय के लिए वहां बैठे हुए थे मंगल पांडे, तभी माता दीन बिल्कुल प्लानिंग के साथ वहां पर आ जाते हैं बैरक में, उसमें मैस में, जहां मंगल पांडे चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और भी जवान बहुत सारे वहां पर हैं। माता दीन वहां पहुंच करके, माता दीन को बिल्कुल पता था कि जैसे ही मैं यहां पहुंच करके इससे बात करने की कोशिश करूंगा तो एकदम से जहर उगलना शुरू होगा। माता दीन ने आते ही, क्योंकि वो जब दोस्ती उनकी परवान थी, जब पता नहीं था कि अछूत है माता दीन, तो उन दोनों के जो पूरे तमाम बर्तन एक बर्तन में, खाना पीना सारी चीजें एक साथ, उठना बैठना तमाम चीजें एक साथ होती थी, कुश्ती से लेके सब चीजें, तो वो तुम्हें कोई भेद नहीं था। लेकिन अब माहौल बदल चुका था और मंगल पांडे का कप मग्गा जिसमें चाय पीते थे पानी पीते थे वो सामने रखा था उनके। और माता दीन आते ही माता दीन ने उनको कहा, मंगल पांडे आप कैसे हो, कैसे हो मित्र, आप आए और आपने खबर नहीं दी ना आप मिले, आज आपको हफ्ता हो गया और आपने मुलाकात नहीं की, क्या हुआ? मंगल पांडे ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसी उसका मौका देख करके माता दीन ने मंगल पांडे के उस कप को तरफ हाथ बढ़ाया उठाने के लिए, और जैसे ही हाथ बढ़ाया तो ऐसे मंगल पांडे ने खड़े होकर कहा, जातिगत गालियां बकी कि तू अपनी औकात भूल गया, तू किस जाति से है नीच, और क्या क्या उनको गालियां बकी और कहा कि अपनी औकात में रह। माता दीन ने हंसते हुए कहा कि आप क्या हो गया मंगल पांडे मित्र, आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहे हो आप मेरे साथ, हम तो मित्र हैं दोस्त हैं। तो उसने कहा मुझे पता नहीं था कि तू एक अछूत है, और उसने और गालियां बकी, जातियों की गालियां बकी, भद्दी भद्दी गालियां। तब माता दीन के दिमाग में जो प्लान था विद्रोह को बिल्कुल साक्षात रूप देने के, अंग्रेजों के विरुद्ध जो उनके दिल में प्रतिशोध की भावना भड़की हुई थी, और उस मौके का फायदा उठा करके माता दीन ने, क्योंकि वहां तमाम
खड़े हुए थे, मुस्लिम सैनिक भी थे, हिंदू सैनिक भी थे, अप्रकाश सारे लोग थे, उन्होंने कहा वहां पर, क्योंकि जब उनकी चर्चा हुई तो सबका दिमाग उसी तरफ आ गया, भीड़ लग गई, इकट्ठे हो गए, तो तब माता दीन ने कहा कि जब तेरा धर्म कहाँ जाता है, तू बहुत पंडित बनता है, जब तेरा धर्म कहाँ जाता है, जब तू गाय और सुअर से युक्त, चर्बी से युक्त, गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए इन कारतूसों को मुंह से खोल करके अपनी बंदूक में भर के जब चलाता है, जब तेरा धर्म कहाँ जाता है, तू बड़ा ब्राह्मण बनता है। तब उन्होंने इस बात को कोट किया और वहां तमाम सैनिक, वहां मंगल पांडे से लगा करके तमाम सैनिक जो मुस्लिम हिंदू तमाम अप्रकाश खड़े थे, सारे सुन रह गए और ये बोल करके माता दीन वहां से चले गए। अब वो तमाम सैनिक और खासतौर पे मंगल पांडे के सामने एक ही रास्ता बचा कि अपने धर्म को बचाए या अपनी नौकरी को बचाए। और इसीलिए तमाम वहां पर पूरे दिन चर्चा चलती रही। शाम को 6 बजे फौज की ब्रीफिंग होती थी एवरीडे रोज, उस दिन भी शाम को 6 बजे ब्रीफिंग का टाइम था, सारे सैनिक लाइन पर खड़े थे। लेकिन माता दीन के दिमाग में एक बात चल रही थी कि जो उसके मंगल पांडे के दिमाग में एक बात चल रही थी खड़े खड़े ब्रीफिंग में, कि अगर मैंने अभी दोबारा से अगर वो कारतूस मुंह से छीन करके और मैंने भर के चलाए, क्योंकि चलाने पड़ते थे ब्रीफिंग में, तो फिर मेरा धर्म और मेरा जो सम्मान पूरा सब बर्बाद हो जाएगा, और अगर मैंने नहीं चलाए तो फिर मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या मुझे जान भी मेरी जा सकती है। लेकिन उसको धर्म माता दीन ने ऐसा फंसा दिया उनको बीच में कि जब उन्होंने कहा अंग्रेजों ने ब्रीफिंग में कि सारे जवान अपनी बंदूकों में गोली भरेंगे और गोली भर के और उसको प्रैक्टिस के लिए उसको चलाएंगे, तो उसने माता दीन ने मंगल पांडे ने मना कर दिया कि भाई मैं इन कारतूसों को अपने मुंह से नहीं छीलूंगा, ना ही मैं इसको इसमें भरूंगा। तो अंग्रेज अफसरों ने कहा भी क्यों नहीं करोगे, तब उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ छल कपट की है, आपने हमें बताया नहीं कि जो कारतूस का खोल है इसके ऊपर इसको सुअर और गाय की चर्बी में डुबो करके और उसमें इसको युक्त करके बनाया जाता है और हम नहीं करेंगे। उसी तरह जब मंगल पांडे ने आवाज उठाई तो फिर वहां मुस्लिम जो वहां पर सैनिक थे उन्होंने भी आवाज विद्रोह की बुलंद कर दी, और जो अप्रकाश थे उन्होंने भी कर दी, 50 सैनिकों ने वहां पर विद्रोह कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। और वो गोलीबारी के बाद 2-3 घंटे के गोलीबारी के बाद उस बैरकपुर छावनी में ये घटना 29 मार्च 1857 की, और उस दिन रात को उन्होंने 9-10 बजे के करीब अंग्रेजों ने काबू पाया उन सैनिकों, विद्रोही सैनिकों के ऊपर अरेस्ट किया। और उसके बाद जब अंग्रेजों ने विवेचना की तो वहां पर पता चला सारे उसके एविडेंस गवाहों के आधार पे कि ये मंगल पांडे ये तो खाली एक वेपन है, असली मास्टरमाइंड इस पूरे विद्रोह का मास्टरमाइंड माता दीन वाल्मीकि है। और अंग्रेजी फौजियों ने उसी वक्त उनको 1 घंटे के अंदर अंदर उनको अरेस्ट किया माता दीन वाल्मीकि को, और उनको अरेस्ट करके जो वहां पर मुकदमा भी लिखा गया, मुकदमा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्सेस माता दीन के नाम से है। और उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर 10 दिन बाद 8 अप्रैल जो अभी गई है 8 अप्रैल 1857 को 50 सैनिकों को बैरकपुर छावनी में फांसी की सजा दी गई, अंग्रेजों ने फांसी दी। उसमें से सबसे पहली फांसी जो मास्टरमाइंड माता दीन, आज भी वो पेड़ बैरकपुर में जो का तो है उस पेड़ से लटका करके पहली फांसी मास्टरमाइंड, विद्रोह के मास्टरमाइंड माता दीन वाल्मीकि को दी गई। उसके बाद जो फौज में सिस्टम होता है उनका कोर्ट मार्शल करने का, कोर्ट मार्शल बाद में हुआ, उसकी भी रिपोर्ट में आया कि माता दीन वाल्मीकि इस पूरे विद्रोह के मास्टरमाइंड थे, उन्हीं के नाम से केस था। तो जो महान विद्रोह हुआ 1857 का, देश की आजादी का पहला महान स्वतंत्रता संग्राम, वो इस देश के माता दीन वाल्मीकि जी ने किया, वो महानायक इसके रहे, उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया। और इसीलिए 8 अप्रैल को हमने अपने महानायक को श्रद्धांजलि दी, पूरे देश में हमने
सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, अपने महानायक का हमने जिस तरह से उनको नमन कर सकते थे, क्योंकि ये बड़ी बात है कि इतिहास को हमारे दबाया गया है, खत्म किया गया, क्योंकि किताब उनकी, कलम उनकी, इसलिए महानायक के चरित्र को इस तरह से बनाया कि पहले फोटो लगाई जाती थी बिल्कुल बनियान में, उनके नंगे बदन, उनकी फोटो अजीब से उनको बनाया जाता था, दिखाया जाता था, जबकि वो माता दीन अपने आप में पर्सनैलिटी थे, खूबसूरत 6 फुट का बांका जवान पहलवान नामी ग्रामी, जिसने कि बंगाल में बड़े बड़े खिताब जीते, उस वक्त फौज में बड़े बड़े खिताब जीते, और वो टेक्निकल काम करते थे, और मेरठ में जो वहाँ पर मेरठ कैंट है वहाँ पर भी जो शहीद हुए 1857 के लोगों के नाम लिखे हैं उसमें माता दीन का नाम लिखा हुआ है, सूबेदार नायक उनकी पोस्ट लिखी हुई है, और वो वहाँ पर तमाम उनके अंदर जो शहीद हुए थे उनके नाम वहाँ पर हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, 1857 की लड़ाई 8 अप्रैल को उनको 50 शहीदों उनको लोगों को फांसी दी गई, जिसमें मंगल पांडे भी थे, माता दीन और तमाम लोग थे। और उसके बाद मई में 1 महीने के भीतर भीतर पूरे देश में वो विद्रोह, 1857 का विद्रोह पूरे देश में फैल गया, जिसमें कि कानपुर में गंगू मैतर ने मोर्चा संभाला, उधर दूसरी तरफ झलकारी भाई ने मोर्चा संभाला, इसी तरह इस देश के जो अछूत उस वक्त कहलाते थे या शूद्र थे, उन तमाम लोगों ने, महानायकों ने, गुजर समाज भी कहता है, उनके गुजर समाज के भी नाम भूल गया, वो भी थे हमारे जाट और चमार समाज के भी, वहाँ पर गंगू मेहतर और दूसरे साथियों के साथ कानपुर में लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में वहाँ लड़ाई चल रही थी, झांसी में लड़ाई चल रही थी, मेरठ में लड़ाई चल रही थी, और फौजों ने कूच किए थे दिल्ली के लिए, दिल्ली के यहाँ पर रास्ते में भी दिल्ली के ऊपर लाल किले पर चढ़ाई की उन्होंने। और उस समय बहादुर शाह जफर यहाँ के भारत के उसके बादशाह थे, और उन्होंने भी उसका विद्रोह किया, और उस विद्रोह में बहादुर शाह जफर और उनके बेटों ने भी उसमें हिस्सा लिया, जिसको कि अंग्रेजों ने कुचल दिया था, और उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून ले जा करके और उनको वहाँ पर उन्होंने उनकी मृत्यु हो गई, वहाँ पर उनको सजा दी। तो इस तरह से उस तमाम महान विद्रोह के की जो कि एक हमारे महानायक माता दीन ने शुरू किया, और वो बहादुर शाह जफर तक, देश के बादशाह तक आकर के वो तमाम लोग उसमें शामिल हुए, और उस महान विद्रोह की वजह से इतना हुआ कि फिर उसके बाद अंग्रेजों को हमारे इस देश के जो अनटचेबल थे, अछूत थे, उनको उन्होंने समय समय पर उनको शिक्षा का भी देना पड़ा, उनके बीच में क्रिश्चियन मशीनरीज को ले जा करके उनको उनके बीच में शिक्षा का काम किया, उनको अपनी तरफ झुकाने के लिए बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म करे, और उनको उनको इस देश के अनटचेबल्स को उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट दिए, बहुत सारे फायदे दिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया, महार रेजिमेंट भी को भी और तेज किया उसी दौरान उन्होंने धीरे धीरे। तो इस तरह से जो जो महान हमारे क्रांतिकारी महायोद्धा माता दीन वाल्मीकि का जो जिस तरीके से उन्होंने विद्रोह किया, उस विद्रोह के फायदे इस देश की आज़ादी के लिए तो फायदेमंद हुए, जो कि 90 साल बाद 1947 में वो भारत को आज़ादी मिली, लेकिन वो एक शुरुआत थी, और शुरुआत करने वाला पहले चाहिए होता है, पीछे तो सारे लोग जुटते हैं। और देखिए एक हमारी महान बात है, हमने जो पुस्तक लिखी इस पे, माता दीन की पुस्तक मैंने लिखी थी, वो पुस्तक पे आर के प्रोडक्शन मुंबई में आर के खन्ना साहब जो डायरेक्टर निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने उस पुस्तक पे उस हमारी कहानी पर फिल्म इंडस्ट्री में नाम बुक करा दिया है, माता दीन द फ्रीडम फाइटर नाम से वो फिल्म बनेगी, और उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी है, और इसके हमारे महानायक के ऊपर एक पूरी फिल्म बनेगी, और फिल्म बनके हमारा जो इतिहास है वापस आएगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अभी भी जो स्कूलों के इतिहास को ख़त्म किया है, ये अपने अपनी कहानियां सुना रहे हैं, उसी तरह इन्होंने, क्योंकि पढ़े लिखे ये थे, इन्होंने अपने हाथ से जो इनके मन में आया, कलम में आया, वो लिखा, जिसको महानायक बनाया, अपने अपने लोगों को इन्होंने हीरो बनाया, लेकिन जो असली इस देश के मूल नागरिक हैं, जो अनटचेबल, जिनके जिनसे सत्ता छीन करके इन्होंने गुलाम बनाया था, समय समय पे उनके अंदर का जो महानायक है, जो उनका 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 जो यहाँ पर मूल निवासी जो यहाँ के राजा थे, उनका जो खून है वो बाले मारता है, और समय समय पर जितने भी विद्रोह हुए, जितने भी बड़े काम हुए, वो तमाम इस देश के मूल नागरिकों ने किए, और इसीलिए माता दीन को हम
श्रद्धांजलि देते हुए उनको सत सत नमन करते हैं और हमारे से जितना हो पाएगा हम माता दीन और अपने और जो दूसरे हमारे महानायक हैं जिनको कि छुपा दिया इतिहास में, छुपाने की कोशिश की है इस मनुवादी व्यवस्था ने, हम उनको निकाल करके अपने जन जन तक, अपने अपने मूल निवासियों तक, अनार्यों तक, बहुजनों तक हम उनको पहुंचाने की हमारी ये पहल है, कोशिश है और करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।